नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की हमारी यह वीडियो खास तौर पर महिलाओं के लिए है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताया जा रहा है कि पीरियड के दौरान आपको क्या खाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, पीरियड्स यानी कि मासिक धर्म महिलाओं में हर महीने होने वाली एक प्रोसेस है। इस दौरान उनमें थकावट और सुस्ती आती है। कुछ महिलाएँ निराशा का अनुभव करती है और वह ज़्यादा गुस्सा करने लगती हैं। कभी कभी पीरियड के दौरान महिलाएं व्याकुल भी हो जाती हैं। पीरियड के 2 दिन तक कुछ महिलाएं अपना दैनिक कार्य भी नहीं कर पाती हैं, और तो और कभी कभी खराब सेहत और मतली होना भी इनके लिए इन दिनों में स्वाभाविक होता है। दोस्तों, पीरियड के दौरान अपनी अच्छी सेहत के लिए आपको संतुलित और भोजन पौष्टिक भोजन करना आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप पीरियड के दौरान स्वस्थ आहार लेंगी तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो चलिए, आज की इस वीडियो में हम ऐसी ही कुछ चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे जिन्हें आपको मासिक धर्म के समय ज़रूर खाना चाहिए, या आहार ऐसे होते हैं जो आपको पीरियड के समय एनर्जी देंगे और पीरियड के दर्द को कम करने में भी सहायता प्रदान करेंगे। तो दोस्तों, ऐसे आहार आपको लेने हैं जिनमें आयरन पाया जाता हो। जी हाँ, पीरियड के समय बॉडी से बहुत ही ज़्यादा मात्रा में खून का बहाव होता है। शरीर से खून निकल जाने पर बॉडी दोबारा नया खून बनाती है, इसलिए नया खून बनाने के लिए आपके शरीर को आयरन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। आयरन में शरीर बहुत जल्दी खून बना लेता है। वैसे भी आयरन युक्त खाना खाने से शरीर में खून की कमी नहीं होती है और आपका हीमोग्लोबिन भी बढ़ता है। साथ ही यह आपको कमजोरी भी नहीं होने देता है। यह आपको डिप्रेशन से भी बचाने में मदद करेगा। आयरन सबसे ज़्यादा मीट, पालक, फलियां, गाजर, चुकंदर, सेब, अनार और हरी पत्तेदार सब्जियों में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो इनमें से किसी भी चीज़ का सेवन आप कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर जो आहार आपको लेने हैं वो हैं विटामिन युक्त फल और सब्जियाँ। जी हाँ, पीरियड के समय विटामिन वाले फल और सब्जियों को खाना बहुत ही ज़रूरी है। इसमें विटामिन ई के जरिए आप PMS सिंड्रोम से छुटकारा पा सकती हैं। विटामिन ई अंडे की जर्दी और एवोकाडो में बहुत ही अच्छी मात्रा में पाया जाता है। विटामिन B6 ब्लाउटिंग को कम करता है। विटामिन B6 को आप आलू से प्राप्त कर सकती हैं। विटामिन सी प्रजनन तंत्र को मजबूत बनाने में मदद करता है। विटामिन सी आपको खट्टे फलों जैसे कि नींबू, संतरा, अंगूर, अमरूद आदि में भरपूर मात्रा में मिल जाएगा। तीसरी चीज़ है डार्क चॉकलेट। जी हाँ, डार्क चॉकलेट खाने से सेरोटोनिन नाम का हार्मोन बढ़ता है, जिससे आप डिप्रेशन से बाहर निकलती हैं, क्योंकि सेरोटोनिन मूड को अच्छा बनाने वाला माना गया है और यह आपको खुश कर रखने के लिए भी जाना जाता है। इसलिए मासिक धर्म के समय चॉकलेट को जरूर खाना चाहिए, डार्क चॉकलेट को खाना चाहिए, क्योंकि अक्सर मासिक धर्म के दौरान आप डिप्रेशन की शिकार हो जाती हैं और कभी कभी निराश भी हो जाती हैं। चॉकलेट आपको खुश रखने में आपकी मदद जरूर करेगी। अगली चीज़ आती है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को अपने आहार में शामिल करना। जी हाँ, पीरियड के दौरान अपने खाने में सब्जी, फल, अनाज जैसे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को जरूर शामिल करना चाहिए। आपको संतरा, खुबानी जरूर खानी चाहिए। पीरियड के दौरान अक्सर मीठा खाने की तीव्र इच्छा होती है। यह सब चीज़ों को खाकर आप इस पर काबू पा सकती हैं। तो ऐसे सिचुएशन में संतरा और खुबानी आपको ज़रूर खाना है। अब दोस्तों, आपको फैटी एसिड को अपने आहार में ज़रूर शामिल करना है। जी हाँ, पीरियड के दौरान पेट में ऐंठन और दर्द होता है। इस ऐंठन और दर्द से बचने के लिए आपको अपने भोजन में ऐसे आहार को शामिल करना चाहिए जिनमें फैटी एसिड भरपूर मात्रा में पाए जाते हों। इसके लिए आपको लौकी, सूरजमुखी के बीज, मछली और पटसन आप खा सकती हैं। इनमें लिनोलेनिक एसिड होता है जो गर्भाशय के मसल्स को ढीला करने में मदद करता है, जिससे आपको पेट दर्द और ऐंठन से आराम मिल जाएगा। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि चाय कॉफ़ी से इन दिनों में आपको दूरी बनानी है। जी हाँ, मासिक धर्म के दौरान जहाँ तक संभव आपको हो सके तो कैफीन के सेवन से आपको बिल्कुल बचना चाहिए। कैफीन चाय और कॉफ़ी में पाया जाता है। कैफीन पेट में एसिड की मात्रा को बढ़ाता है, जिससे पेट में दर्द होता ही है, और अगर पहले से दर्द है तो यह आपका दर्द और बढ़ा सकती है। लेकिन अगर आपको बहुत ही ज़्यादा कैफीन लेने का मन कर रहा है तो आप कॉफ़ी की बजाय चाय पी सकती हैं, लेकिन कम मात्रा में। कॉफ़ी के मुकाबले चाय में कम कैफीन पाया जाता है। तो दोस्तों, ये थी वो चीज़ें और वो एक बेहतरीन डाइट
जो कि पीरियड के दिनों में आप इनका इस्तेमाल कर सकती हैं, इनका सेवन कर सकती हैं, जिससे क्या होगा कि एक तो पीरियड का दर्द भी आपको कम होगा और पीरियड के दिनों में ये चीज़ें आपके लिए बेस्ट रहने वाली हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये जानकारी और वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएँ। वीडियो देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।